पूजा बेदी की बेटी अलाया फर्नीचर वाला जल्द ही जवानी जाने मन फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। यह फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होगी। इन दिनों अलाया फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। इस दौरान अलाया हाल ही में एक चैट शो में पहुंची। इस चैट शो में अलाया ने कार्तिक आर्यन से जुड़ी ऐसी बात कह दी जिसे जानकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। अलाया ने जवानी जाने मन फिल्म का प्रमोशन करते हुए कार्तिक सारा की लव आजकल फिल्म के ट्रेलर की बात की। अलाया ने कहा कि ट्रेलर में सारा कार्तिक का बोल्ड सीन देखने के बाद अगर उन्हें कार्तिक संग कोई बोल्ड सीन करने को मिला तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अलाया से पूछा गया कि अगर एक दिन कार्तिक आर्यन उनके बेड पर मिले तो उनकी क्या रिएक्शन होगी। जवाब में अलाया ने कहा, कार्तिक को अपने बेड पर देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके बाद एक सवाल और पूछा गया कि ऐसा क्या है जो अनन्या पांडे के पास नहीं है और उनके पास है। जवाब में अलाया ने कहा, अनन्या के पास नेपोटिज्म पर अच्छा जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अलाया से पहले जवानी जानेवन में सारा को कास्ट करने पर विचार किया जा रहा था। इस बात का खुलासा खुद सैफ ने किया। सैफ ने कहा, हाँ ऐसा हुआ था। केदारनाथ होल्ड पर चली गई थी। उस वक्त सारा के पास कोई भी फिल्म नहीं थी। उन दिनों इस फिल्म को लेकर बातें भी हो रही थी। एक अच्छे पिता के तौर पर मैंने उन दिनों सारा से जब पूछा कि क्या वह मेरे साथ ये फिल्म करेंगी, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था। सैफ ने आगे कहा, इसके बाद केदारनाथ वापस ट्रैक पर आ गई, फिर सिम्बा मिल गई। मैंने सारा से कहा कि सुनो, ये फिल्म अब तुम मत करो, ये फिल्म तुम्हारे लिए एक बैकअप प्लान था, मैं किसी और के साथ इसे करना पसंद करूँगा, तुम्हें रणवीर सिंह और वरुण के साथ काम करना चाहिए, उसने भी हाँ कहा था। सैफ ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं सारा के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि परिवार के साथ दिक्कतें हो जाती है। आपको बता दें कि सैफ अली खान की फिल्म जवानी जानेवन में अलाया फर्नीचर वाला काम कर रही है। इस फिल्म में अलाया सैफ की बेटी बनी हुई है जिसके बारे में उन्हें अचानक पता चलता है। इस फिल्म में तब्बू अलाया की माँ बनी हुई है। ये फिल्म 31 जनवरी 2020 को रिलीज हो रही है।